लिखते हुए हमारे दिमाग में कुछ ऐसा आया कि पब्लिक में एक ऐसी चीज़ लेके जाएं जो बड़ी एंटरटेनिंग हो, थ्रिलिंग हो। हिंदी फिल्मों में मैन और टाइगर की फाइट हमें देखने मिली। कैरेक्टर को कैसे बोल्ड और एस्टेब्लिश किया जाए एक एंट्री के अंदर, तो एक बड़ा सोचते हुए लिखते हुए एक दिमाग में सीक्वेंस आई टाइगर फाइट। आजादी के पहले जब शिकार अलाउड था, शेर के शिकार जो राजाओं के शौक हुआ करते थे, जो हंटिंग के लिए पैशन, और उस हंटिंग के माध्यम से विक्रम प्रताप सिंह का डिजाइन करने की कोशिश की, जिसमें विक्रम प्रताप सिंह और टाइगर को आमने सामने लाके एक टाइगर को कैसे ह्यूमनली हम प्रेजेंट करें, देखने वाले ऑडियंस के अंदर एक थ्रिल फैक्टर पैदा हो जाए। शूट कर रहे हैं जहाँ आशुतोष राणा जो है वो जंगल में, उसने एक शेर का पीछा किया हुआ है, तब वो आता है और शेर जो है वो आशुतोष राणा पे झपटता है। अज्यूम करना पड़ता है क्योंकि शेर तो आपके पास है ही नहीं, तो एनिमेटेड शेर भी बनेगा कुछ रियल शेर के साथ। डायरेक्टर ने बैंकॉक में शूट किया हुआ है, हमने इंडिया में तो अलाउड नहीं है। अद्भुत अनुभव रहा शेर के साथ शूट करने का। आप एक्टर के साथ जब शूट करते हो तो आप बोलते हो एक्शन, एक्टर अपना काम करता है। एक जानवर के साथ और वो भी एक टाइगर के साथ जब शूट करना पड़ता है तो टाइगर आपकी ह्यूमन भाषा नहीं समझता है। पेशेंसफुली यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू सी व्हेन टाइगर हैज टू टेक एनी मूव। आपको कैमरा हमेशा ऑन रखना पड़ता है कि टाइगर का कौन सा मूव कैसे आप उसको कैप्चर कर सको, तो बड़ा चैलेंजिंग होता है। एक और चीज जो मैंने नोटिस करी कि शेर जब टाइगर को शूट करने से पहले उसका जो हैंडलर था मेन, वो जाता उसके कान में कुछ बोलता था वो कुछ, बट मुझे ऐसा लगा कि वो उसको कुछ बोलता है और शेर उसकी भाषा को समझता है। एक्टर को शेर के पास नहीं लेके गए, ना शेर को एक्टर के पास लेके आए फॉर सेफ्टी रीजंस। तो काफी डिफिकल्ट है, अज्यूम करना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है कि शेर इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट से वो लीप लेगा तो कैमरे की पोजीशन क्या होगी, आशुतोष राणा किस हाइट पे जाएगा और कहाँ उनकी मीटिंग पॉइंट होगी, कहाँ वो मारेगा। बोलने में कि एक नॉर्मल वन लाइन में कि आशुतोष राणा उड़ता है शेर को मारता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में 300 लोगों की मेहनत लगी है। रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। इंटरेक्शन को जिस बखूबी से सामने दिखाया है, हर जगह से हर एंगल से शूट हो रहा है। काफी डिफिकल्ट सीक्वेंस है, महंगा सीक्वेंस है, और आई थिंक ऊपर वाले ने चाहा तो आउटपुट विल बी गुड। अब्बास अली साहब का बहुत ही अच्छा इसमें काम रहा। उनको मैंने जब अपना कॉन्सेप्ट समझाया कि मुझे इस तरह का पूरा एक सीक्वेंस कोरियोग्राफ चाहिए, यू नो ही वाज वेरी एक्साइटेड। अब्बास अली मुगल साहब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्शन डायरेक्टर हैं, उनके एक्सपीरियंस का हमें काफी फायदा मिला। प्लेट्स तो दोनों मिल के आएंगे तो आपको एक शानदार सीक्वेंस लगेगा। लंबे अरसे के बाद किसी अभिनेता को ऐसा अवसर सिल्वर स्क्रीन पे मिल रहा है कि जब टाइगर वर्सेस टाइगर विक्रम प्रताप सिंह, इनकी जो हैंड फाइट है वो देखने का। आशुतोष जी ने इस किरदार को बखूबी निभाया है और मैं तो ये कहूँगा कि शेर तो असली वो लग रहे हैं फिल्म को। If I were to do something like this again, I'll do it.